वीडियो और फोटो में पुलिस के सामने कान पकड़कर उठक बैठक करती युवा टोलियों को देखकर आपके मन में कई ख्याल आ सकते हैं। वैसे इस मामले में ज़्यादा दिमाग पर जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो की सच्चाई क्या है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल ऐसी हुड़दंग पार्टियां हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर नदी और नहरों में छलांग लगाते हैं और कहीं भी खुलेआम सरेआम बियर और शराब पार्टियाँ करने में जुट जाते हैं। यूपी से उत्तराखंड तक पुलिस इस बार ऐसे हुड़दंगियों को ढंग से सबक सिखा रही है। चारधाम यात्रा के बीच देवभूमि उत्तराखंड की पुलिस जहां ऑपरेशन मर्यादा के तहत ऐसे हुड़दंगियों पर कानूनी शिकंजा कसने में जुटी है, वहीं यूपी पुलिस भी सख्ती से हुड़दंगियों पर लगाम कसती नजर आ रही है। तीर्थ स्थलों को पिकनिक स्पॉट और नदी नहरों को मौज मस्ती का ठिकाना मानने वालों पर इस बार यूपी उत्तराखंड पुलिस मिलकर सख्ती कर रही है। नदी और नहरों में नहाने के चक्कर में देश में हर साल न जाने कितने ही लोग जान गंवा देते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की मसूरी गंग नहर में ही लगातार जानलेवा हादसे होते नजर आते हैं। गाजियाबाद पुलिस ने एक दिन पहले खतरनाक तेज बहाव के बीच गंग नहर को पार करने की कोशिश कर रहे चार हुड़दंगी नौजवानों को दबोच लिया और भीड़ की मौजूदगी में उनसे कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई और भविष्य में ऐसा नहीं करने को लेकर माफी भी मंगवाई। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के बीच उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन मर्यादा चला रही है। इस विशेष अभियान में पुलिस धार्मिक यात्रा में जाकर नशा और स्टंटबाजी करने वालों पर शिकंजा कस रही है। इसी क्रम में नैनीताल पुलिस ने नदी किनारे नशा पार्टी कर रहे हुड़दंगियों की एक बड़ी टोली को पकड़ा है। पुलिस ने तमाम ऐसे हुड़दंगियों पर कार्रवाई की है, कितने ही बांस सीज किए गए हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने से अब तक उत्तराखंड पुलिस कितने ही नशेड़ियों और हुड़दंगियों के खिलाफ एक्शन ले चुकी है। सकुशल चारधाम यात्रा संपन्न कराने को उत्तराखंड पुलिस ने पूरी जान लगा रखी है। पुलिस और SDRF की टीमें यात्रा के दौरान शारीरिक परेशानी होने या बीमार होने की स्थिति में श्रद्धालुओं की हर संभव मदद कर रही है। महिला और बच्चों के लिए जगह जगह दवा नाश्ता और पानी का इंतजाम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, भटके हुए यात्रियों को सुरक्षित उनके अपनों से भी मिलाने का काम पुलिस के स्तर से किया जा रहा है। रास्ते में लोगों के मोबाइल भी यात्रा के दौरान गिर रहे हैं तो पुलिस टीमें मदद में तुरंत आगे आकर लोगों को उनके खोए मोबाइल लौटा रही है। खबरची ब्यूरो की रिपोर्ट।